गालीबाज श्रीकांत त्यागी के मामले के बाद अब नोएडा में गालीबाज महिला का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं सोसाइटी के RWA ने महिला के मकान मालिक से घर खाली करवाने को कहा है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो की घटना नोएडा के थाना सेक्टर 126 के तहत आने वाली JP शिपटाउन सोसाइटी की है। वीडियो में दिखाई दे रही महिला की पहचान भाव्या रॉय के तौर पर हुई है। JP शिपटाउन सोसाइटी का कहना है कि महिला कुछ वक्त पहले ही यहाँ रहने आई है। बताया जा रहा है कि गार्ड ने गेट खोलने में देरी की तो कथित तौर पर नशे में धुत महिला ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। महिला बार बार गार्ड का कॉलर पकड़कर खींचतान करती रही। वहीं दूसरा गार्ड समझाने लगा तो उसे भी गाली गलौज करती नजर आई, जिसका वीडियो किसी ने अपने फोन में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक नोएडा की सोसाइटी में गार्ड से गाली गलौज करने वाली भव्या रॉय पेशे से वकील है। महिला सोसाइटी के एक फ्लैट में रहती है। आरोप है कि गार्ड को गाली देने के दौरान भव्या ने खूब शराब पी रखी थी। महिला के साथ ही पुलिस थाने पहुंची। इस दौरान पुलिस महिला की कार में दिखाई दी। VVIP ट्रीटमेंट को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। औरतों की इज्जत की बात अलग होती है। आप इज्जत कर रही हैं? आप कितनी क्या औरतों की इज्जत कर रही हैं? तुम इज्जत करते हो उन लड़कियों जो आई हुई है? किसकी? तीन साल का पुराना केस है और तू बोलेगा, ये बोलेगा मेरे को। मैम आपको मामला बोल रहा है, इसको बहुत चुप रहे। आओ चुप रहे आप, इसको बोल रहे हैं चुप रहे। शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। बड़े हो गए हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी लग के सारे के सारे सबकी के मुंह में खिला दूंगी। प्लीज अपना अपना This shit doesn't work. साले खाल खोल दूंगी। इस कर रही है एक मिनट में बर्थडे कर रहा है। कितने बिहारी हैं यार? तीन लड़कियां आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।